हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम डेट फिर बदल गई। जी हाँ दोस्तों, एकेडमी ने एग्जामिनेशन शेड्यूल को लेकर फिर से एक नई डेट शीट जारी की है, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा था उन छात्रों का एग्ज़ाम फिर से कुछ बदलाव किया गया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिस आई है, ज़रूर देखें, वरना हो सकता है आपका एग्ज़ाम छूट जाए या फिर आपका एग्ज़ाम ना हो, फिर भी आप एग्ज़ाम देने चले जाएँ। तो इसलिए एग्जामिनेशन शेड्यूल में चेंजेस किया। मैं आपको पूरी PDF लिस्ट दिखाता हूँ किन किन छात्रों का एग्ज़ाम चेंज हुआ है, कौन से डेट का एग्ज़ाम कब होगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि इस तरह की ऑफिशियल और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, ये 4 पेज का PDF, इसमें यहाँ देखिए शेड्यूल भी दिया गया है, यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल। जैसे कि यहाँ पे संडे का जिनका एग्ज़ाम होने वाला था पहले, यानी एग्जामिनेशन शेड्यूल अब संडे को होगा। जी हाँ, यहाँ पे देखिए पूरा कितना 4 पेज का PDF है। तो किन किन छात्रों का एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहले नोटिस किया है, पहले PDF पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको इसमें मैं इसका कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ। पहले इसमें मेंशन है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के 2023-24 के विषम सेमेस्टर के स्नातक पर स्नातक यानी BTEC और MTEC, BPharma, MPharma, BR, MR के पाठ्यक्रमों में अंतरण 6 छात्राओं के रेगुलर कैरियर जो विषयों के एग्जाम होने वाले थे फर्स्ट फेज में। जी हाँ, यानी जिनका प्रथम चरण में एग्जाम्स हो रहा था, आपको पता है 9 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक में, और ऑफलाइन मोड में। ठीक है, आगे क्या मेंशन है, ऑफलाइन विषयों जो एग्जाम हो रहा था उनमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, तो उपरोक्त परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 15 जनवरी को आयोजित होने वाली समस्त विषयों की लिखित परीक्षाओं के कतिपय जनपदों के जिलाधिकारी स्तर से स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने, जी हाँ यानी छुट्टी इस दिन घोषित किए जाने के दृष्टिगत संस्थानों द्वारा किए गए अनुरोध पर विश्वविद्यालय के सचिव स्तर से निर्णय लिया गया है कि दिनांक 15 जनवरी को आयोजित होने वाली समस्त विषयों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। जी हाँ, वहाँ पे यानी उसको कैंसिल कर दिया या फिर पोस्टपोन कर दिया, उसको बदल दिया है, स्थगित करते हुए। आगे क्या मेंशन है कि 28 जनवरी 2024 को रविवार को यानी संडे को संलग्न कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि पर कराई जाए। कहने का मतलब ये है, जो एग्जाम्स आप लोगों को 15 जनवरी को होने वाला था, अब वो 28 जनवरी संडे को होगा। अब 15 जनवरी को चाहे फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था, जो भी था, अगर 15 जनवरी को आपका एग्जाम था तो 15 जनवरी एग्जाम कब होगा, 28 को होगा। यहाँ पे देखिए शेड्यूल दिया है, शेड्यूल में आप देख लीजिए, और वहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है 9 AM to 9:30, जैसे कि संडे का एग्जाम था। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कब होगा, वो सन मॉर्निंग में होगा। उसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग का पेपर भी मॉर्निंग में होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, कुछ छात्रों का मॉर्निंग में, कुछ छात्रों का इवनिंग में, जैसे कि मॉडलिंग ऑफ फील्ड का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, इन सब का, GIS का, ये सब कब होगा, ये सब जो है संडे की इवनिंग यानी शाम में होगा। बाकी मैं PDF है टेलीग्राम पर डाल दूँ, टेलीग्राम का नाम इन्फोटेक का रिसर्च। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी PDF सारी जो नोटिस यहाँ से मिलते रहे, खासकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम कैसा हो रहा, पूरा फोकस करिए, प्रिपरेशन करिए, अच्छे से कॉपी लिखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे कॉपी लिखना, कैसे तैयारी करना, मैंने वीडियो बना रखी है। तो वीडियो को लाइक चाहे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।